अच्छा फिर शुरू कर देते हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, सूफियत घराने से मेरा ताल्लुक रहा है। सूफियत में एक बात खास ये है कि वो जरा मजहब से आगे आ गए, सच्चाई की तलाश करते हैं। पाकिस्तान को छोड़ने की वजह ये हुई कि मुझे बहुत 16 साल की उम्र में खुदा ने कहा कि अपना मजहब कल्चर ट्रेडिशन छोड़, और मैंने जर्मन कौम को चुना है और मैं तुझे नई तालीमात कि मैं तुझे नई तालीमात दूंगा जो मेरी दुनिया लाने में जो वादे मैंने किए हैं कि नया आसमान नई जमीन का जमाना शुरू हो जाएगा, मैं वो तालीमात तुझे दूंगा। तो इसलिए मैंने अपने मुल्क को छोड़ दिया। अब आगे आप सवाल कर लें कि तालीमात के मुताबिक कि आप क्या पूछना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब, आपने काफ़ी तफसील से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको किस उम्र में अल्लाह ताला के साथ एक ज़ाती ताल्लुक का शऊर हासिल हुआ? सूफियत में जो एक चीज बताई गई थी वो ये थी कि सच्चाई हमें जहां भी लेके जाएगी हम जाएंगे, चाहे वो इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो, बुद्ध में हो, जैन में हो, कन्फ्यूशियस में हो, जहां भी वो होगी। क्योंकि जो रहनुमाई की गई थी, गाइडनेस, वो ये थी कि सच्चाई जो है वो यूनिवर्सल है, इसका ताल्लुक खुदा से है, और ये बहुत बड़ी बुनियाद बनी मेरी रूहानियत की। तो बड़ी इब्तदा में ही मैंने मुसाइब की दुनिया से निकलकर खुदा की तलाश की। अब हुआ ये कि मैं जब मुनाजात करता था रात को, तो खुदा से पूछता था कि खुदा तू मेरी रहनुमाई कर कि मैं अपने इलम को बढ़ाऊं या मैं अपनी और तालीमात को लेके आगे चलूं जो हैं। तब खुदा ने मेरी रहनुमाई की और मुझ पे वही की। ये 6 साल की उम्र थी कि तू दुआ करके तेरे दिल में मैं अपनी मोहब्बत बसाऊं। तो फिर इलम की जस्तजू को छोड़कर मैं मोहब्बत की मुनाजात पे आया, और यही चीज बुनियाद बनी 12 साल की उम्र में कि खुदा का दीदार हुआ। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपका शऊर जो था वो बहुत छोटी उम्र से ही डेवलप्ड शऊर था। अच्छा, अब मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ ऊपर की आपकी एक ऑडियो सुनने से, जिसमें आपने फरमाया कि 16 ईयर्स आपकी उम्र थी जब आपको अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुझे नई तालीमात दूंगा और तेरे जरिए नई दुनिया आएगी। तो डोंट यू थिंक कि ये उम्र बहुत कम थी? अल्लाह ताला ने जिन लोगों को भी अंबिया के दर्जे पर फायज किया तो आमतौर पर 40 साल के बाद, 40 साल को नबूवत की उम्र कहा जाता है, और उससे पिछले भी जितने अंबिया गुजरे हैं, तो हम जहाँ तक पढ़ते हैं किताबों में तो सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जिनको ज़रा 40 से पहले ये एक्सपीरियंस हो गया था, उससे पहले सभी को 40 के बाद ही अल्लाह ताला ने मुखातिब किया, और आपके साथ ये 16 ईयर्स की उम्र में हुआ। तो क्या उस उम्र में आपको ये समझ आ गई थी कि नई तालीमात क्या होंगी और आपके जरिए खुदा ताला की दुनिया किस तरह से आएगी? आपको इस बात की समझ आ गई थी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
ईसा जिसे मैं ईसा इब्ने ज़किया कहता हूँ, आप ईसा में मरियम कहते हैं, 12 साल की उम्र में उनसे वही और इल्हाम से खुदा मुखातिब होता था। लेकिन ये सिर्फ ईसा ही नहीं है, यूसुफ जो थे जिसे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, इनको भी बचपन से ही खुदा की इनायात थी, बल्कि बचपन से ही खुदा ने इनको दिखाया कि इनके जब उसने देखा सूरज और चांद और सितारे मुझे सजदा करते हैं, तो बचपन से ही खुदा की इसकी रहनुमाई थी बहुत से अंबियाओं के साथ, लेकिन चंद मैंने जिक्र कर दिया है। नहीं, मेरी समझ में उस वक्त ये बात नहीं आई कि वो तालीमात क्या होंगी, ये बिल्कुल नहीं आई। ये तालीमात आहिस्ता आहिस्ता बाद के ज़मानों में, जब मैं यूरोप में था और जो सफ़र कराए, मुशाहदे कराए खुदा ने, और जो कुछ मैंने सुना, ये बात की बातें हैं। लेकिन अगर हम उम्र की बात करें तो कोई भी उम्र हो, मोहब्बत में फिर वो उम्र यूं लगती है कि मोहब्बत के बाद वो उम्र बहुत कम लगती है, कि मैंने मोहब्बत में ये उम्र फिर बहुत कम है मेरी। तो मोहब्बत इलाही में जो असर पड़ा मुझ पर वो ये था कि मैं अपना सफ़र मुकम्मल करूँगा, मैं अपना नगमा जो मोहब्बत इलाही में है उसको पूरा गाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो मोहब्बत इलाही में ये कि शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, और लोग समझते हैं आसान है खुदा से मिलना। तो मोहब्बत इलाही में इतना मैं पहुंच चुका था, जैसे बच्चे वालदैन से प्यार करते हैं, और जैसे एक कुत्ता भी जो है वो अपने मालिक से इतनी मोहब्बत वफादारी करता है कि कोई उसे महल भी दे तो ना ले। तो इस मोहब्बत में ही मैं यहाँ तक मुझ पर ये असर हो चुका कि वो तालीमात क्या होंगी, उस तालीमात के अंदर मुझ पर क्या बीतेगी, क्या कीमत देनी पड़ेगी, कौन से क्रॉस आएंगे, किस सूली पे लटकाया जाएगा। वो मैंने अपने अंदर जो है मोहब्बत इतनी पाई थी कि मैं हर मौत का प्याला पीने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन 16 साल की उम्र में उन तालीमात को समझना नामुमकिन था मेरे लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने रूहानियत की तरफ मेरी रहनुमाई की, और यही काम सब अंबिया के साथ हुआ है। कोई भी पैदा होते ही कामिल नहीं होता। तो इस सफ़र में मुश्किलात भी आई, इम्तिहानात भी आए, और अजीब अजीब वाक़े भी आए कि जिसके अंदर बाज़ुकत अंबिया छोड़ बैठते हैं, यानी कि बहुत से अंबिया की खबर नहीं है। तो ये एक सफ़र है। अगर ये नबूवत सिर्फ सच्चाई का सफ़र है तो फिर ऐसा होता है कि बहुत से अंबिया इसको मिशन के अंदर उनका बताया नहीं गया, 25 नबियों का बताया गया उन्हें अबाउट, बाकियों की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जो सफ़र जो पूरा हुआ मेरा, ये मोहब्बत इलाही में हुआ, या किसी जिन का भी अंबिया का जहाँ तक वो पहुँचे, ये मोहब्बत के बगैर सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता, इलम के साथ ये सफ़र अधूरा रह जाता है। तो मुझे 16 साल की उम्र में ये रूहानियत वाकियात जो होंगे और इस सफ़र में क्या क्या होगा, क्या क्या पेश किया जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मेरी रूहानियत को आगे लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। मैं आपके बचपन को ज़रा मज़ीद खंगालना चाहती हूँ, और ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे कि बताया कि आपका एक सूफीज़म वाले घराने से ताल्लुक़ था,
तो आपके वालिद या वालदा में से कोई सूफीज्म में एक्टिव था या आपके कोई और उस्ताद थे? वैसे तो पूरा घराना ही सूफियत की तरफ माइल था, लेकिन मेरे वालिद और मेरी वालदा, इनकी गाइडेंस जो थी वो तो थी, लेकिन जिनकी गाइडेंस मुझे सूफी इज़्म में मिली है उनका नाम है मौलाना अमीर वली, बल्कि हम अमीर वली कहते थे। वो थे कि जिनमें रूहानियत थी, बल्कि एक वक्त आया कि उनकी गाइडेंस थी मेरे साथ, और एक वक्त आया कि वो मेरी गाइडेंस लेते थे। ये गालबन 12 साल के बाद का वाक्य है कि उन्हीं सूफी ने, जिनके बहुत से मानने वाले थे, उन्होंने मुझे अपना मुर्शिद और अपना रहबर करार किया। तो ये रूहानियत के अंदर बड़ी मोहब्बत की राह है कि कभी मैं रहनुमाई करता हूँ और कभी तू रहनुमाई करेगा। तो अगर ये रिश्ता खुला रहे तो इसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें इंसानी दिमाग जो है, रूहानियत आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक कॉल बता देता हूँ मैं, एक कॉल ईसा का। ईसा कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए, तालिबे इल्म के लिए काफ़ी है इतना कि वो उस्ताद जैसा हो, यानी उस्ताद से ऊपर ना जाए। तो यहाँ ईसा इब्ने मरियम अपनी रूहानियत को रोक देते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। खुदा के हजूर जो तालिबे इल्म है वो उस्ताद से भी ऊपर जाने की अहलियत रखता है। या ये कह दिया जाए कि मेरे बाद नबी नहीं, तो फिर वो उस नबूवत की जो नहर है उसका पानी जो है वो मूवमेंट नहीं करता, मूवमेंट चलता नहीं, और जो पानी मूवमेंट ना करे वो गंदा हो जाता है। तो उनकी रहनुमाई थी और जो कुछ उनके इलम में था उनकी रूहानियत में थी, लेकिन ये 6 साल से 12 साल तक उनकी रूहानियत रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे इलम देना, रूहानियत देनी बंद कर दी, बल्कि मुझसे सीखते थे फिर। और सीखते क्या थे? इलम नहीं, बल्कि रूह की दुनिया के वाकयात मुझसे पूछते थे कि मैं क्या देखता हूँ, क्या मुशाहिदा है, क्या सफ़र है, क्योंकि वो भी रूह की दुनिया में मुशाहिदा करते थे। तो फिर ये 12 साल के बाद ये रुत बदल गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ऐसा ही तजर्बा मैंने शम्स तबरेज की जिंदगी का भी पढ़ा था कि एक मुद्दत तक तो उनके उस्ताद उनको इल्म देते रहे, और उसके बाद फिर शम्स तबरेज का नहीं, सॉरी, मौलाना रूम का, और उसके बाद जो उनके उस्ताद थे उन्होंने अपने ही शागिर्द की शागिर्दी इख्तियार कर ली थी और कहा था कि जो कुछ मेरे पास था वो मैं दे चुका हूँ। तो ऐसा होता है। तो दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जाहिर है कि आपको जो भी रूहानी एक्सपीरियंसेस थे वो अपने आप अपने रूहानी उस्ताद और सूफी के साथ तो शेयर करते थे, अमीर वली साहब के साथ, लेकिन क्या वो आप अपने एक्सपीरियंसेस या जो कुछ आपको कहा जाता था या आप सुनते थे या देखते थे, क्या आप उसको अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ भी शेयर करते थे? वो जो हमारे अमीर वली साहब थे उनके कई हजार मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया था, अगर मैं तेरे या अपने रूहानी तजर्बात अपने ही मानने वालों के सामने पेश करूंगा तो ये हम दोनों को सूली पे लटका देंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने मुझे रोक दिया। वालदैन जो थे, जब उनके साथ मैंने ये
बताया उनको तो वो बात फिर फैल गई और हमारी खान फैमिली में कोई 80 लोग, जैसे चाचे मामे कज़न वगैरह, जब उन तक पहुंची तो वो मुखालिफ हो चुके थे, क्योंकि सूफियत उनके लिए एक ट्रेडिशन थी, मार्फत इलाही नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सूफियत से मुराद जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के फ्रेम में है, इसके अंदर होगी। अगर सूफियत इस फ्रेम इस्लाम के दायरे से बाहर आती है तो फिर उस पे से इतबार उठ जाता है और वो फिर मार्फत और सूफियत जो है वो इंकार कर देती है इस्लाम का, इस्लाम की तालीमात का, इस्लाम की शरीयत का, तो फिर वो पहुंचती है कुफर तक। तो वो भी मुखालिफ हो गए, फिर जो चाचे मामे जो कज़न जो हमारे थे वो भी मुखालिफ हो गए। फिर बात दूर तक पहुंची, फिर हमारे जो वली साहब थे उनके मानने वालों तक पहुंची, तो उन्होंने तो कह सुन के और उजर करके समझा दिया उनको, लेकिन मामला जो था वो ख़तरे की तरफ जाता रहा। और फिर सूफी हमारे जो थे उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें की कि खुदा ने मुझसे चाहा था कि कुछ काम ले तालीमात, लेकिन मैं खुदा के काम नहीं आ सका। तो ये थी हालात जो फिर पाकिस्तान में हल्का के हत्ता के कई दफ़ा मुझे मारा भी गया, कई दफ़ा मुझे जैसे मस्जिद की जो चटाई होती है उस पर लपेट कर कहा कि इसका जिन निकालो शैतान निकालो। लेकिन फिर हमारे वली साहब की मुदाखलत से, उनके हज़ारों मानने वाले थे, मेरी जान बची, वरना वो लोग मुझे मारने मरने पे तुले हुए थे कि इसका दिमाग जो है इसके अंदर शैतान आ चुका है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातें की थी मोहम्मद के बारे में, नबी के बारे में, जो उन्हें नहायत सख्त नापसंद थी। जी, बहुत ही डिफरेंट आपका बचपन गुजरा आम बच्चों से, और शुरू से ही जैसा कि आपने बताया कि मुश्किलात का शिकार हो गए। ये बताइए मोहतरम जाहिद खान साहब, कि आपने कोई दुनियावी तालीम भी हासिल की, यानी स्कूल वगैरह जाना? दुनियावी तालीम के बारे में ये अर्ज है कि जो हमारे ख़ानदान था वो एक तो तालीम को पसंद नहीं करते, दूसरे हालात ऐसे थे कि बहुत दुश्वार था तालीमात। तो पांचवी तक मैंने बड़ा ज़ोर लगा के मैं चाहता था, तो चौथी पांचवी तक तो वहाँ टाट पे बैठ के, वो स्कूल क्या था, वो ऐसे टाट पे बैठ गए और अजीब ही माहौल था कि ना पाँव में जूतियाँ, बुरे हाल, ना पेंसिल, ना किताब कोई पूरी। पांचवी के बाद फिर वो तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ थोड़ा, और मुझे घर का कुछ ऐसा बोझ था कि उनके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा। फिर बीच में मैंने 2 साल के बाद फिर दाखिला लिया, फिर 7वीं तक, फिर लाहौर को छोड़ना पड़ गया। फिर मैं वहाँ जो मेरे भाई थे उनके साथ काम करना पड़ा, क्योंकि वो करते थे जे जैसे लकड़ियों के बॉक्स बना के और सदर से लेके जाते थे,
उनके साथ रहा, फिर वापस आया, फिर तो ये बीच में सिलसिला आगे पीछे रहा। तो कोई तकरीबन 8वीं तक तालीमात जो बड़ी मुश्किल से हासिल की। फिर एक हमारे जहाँ पे मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे, उनको मुझ पे रहम आया और उन्होंने मुझे मुस्लिम लीग स्कूल में दाखिल कराया। और 10वीं तक इसके बाद, बल्कि इससे इसके बाद जो है सिलसिला वो टूट चुका था तालीम का बिल्कुल ही। तो ये तालीमात थी, दुनियाई तालीमात के बारे में ये कुछ था सब कुछ। फिर पाकिस्तान के माहौल का भी ये है कि उस माहौल में अगर पैसे हो तो जाली काम भी हो जाते हैं, हर काम भी हो जाते हैं। तो फिर इस बीच में वो जो हमारे थे अपना दानिश साहब, उन्होंने हमें, वो मुस्लिम स्कूल भी यहीं था, उसको भी यही समझ लें, वो भी वहीं, ना कोई तालीम ना कुछ, बच्चे इकट्ठे हो जाते थे एक मजमे की तरह। तो फिर उन्होंने ही वो बनवा के दिया मुझे कि बच्चे ने 10वीं तक, तो बच्चे ने 10वीं तक ये किया है। तो असल में अगर देखा जाए तो तालीमात कुछ भी नहीं थी जाहिर तौर पे। जी, आपको मौका नहीं मिला, हालात ऐसे थे कि आप दुनियावी तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सके। तो इस दौरान आपकी जो रूहानी डेवलपमेंट थी उसका सिलसिला जारी रहा, यानी जारी रहा होगा मैं उम्मीद करती हूँ। और क्या आपको जो एक्सपीरियंस होते थे कभी आपने स्कूल में अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर किए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे रूहानियत और जो हमारे खालसूफी थे और जो तजर्बात हुए, उन तजर्बात ने मुझे खामोश कर दिया कि इसके नतायज क्या होंगे। तो जो भी रूहानी तजर्बात होते थे तो उनमें से एक चंद थे सूफी जिन्होंने अपने राज बयान किए थे कस्में और वादा लेके, यानी कि दिल की बात दिल से, जब कोई मिल जाए इक्का दुक्का कोई और हीरा। तो उनके हालात भी मैंने देखे, उनके साथ क्या हुआ। उनमें से एक को तो मार दिया गया था। तो इन चीज़ों ने मुझे और ज़्यादा मुताद कर दिया और जो रूहानियत का सफ़र था चाहे मैंने अपने मुल्क को छोड़ा, चाहे मैं जेल में था या होमलेस पुलों के नीचे सोता रहा, रूहानियत का सफ़र जारी रहा। और इसके दरमियान कोई पत्थर, क्योंकि मोहब्बत लाई में जितने भी पत्थर आते थे रूहानियत के सफ़र में, हम सफ़र मिलते थे, मोहब्बत करने वाले मिलते थे। इसमें ख़ानदान वालों को छोड़ दिया, मोहब्बतें छोड़ दी, तो ये रूहानियत हर पत्थर को हटा देती थी। ये खुदा की इनायत थी जिनका आज भी मैं पूरे दिलो जान से खुदा का शुक्र गुजार हूँ कि उसने अपनी मोहब्बत में मुझे कहीं रुकने नहीं दिया। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपके बचपन के हालात और वाकयात बहुत ही दिलचस्प हैं। मैं अभी इसकी कुछ मजीद डिटेल में जाना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है
कि इस बुनियाद की रोशनी में हमें आपके दावे को, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा है कि हमारा वक्त चूंकि आपके साथ 1 घंटा तय हुआ था, तो अब अगर आपके पास टाइम है तो हम कुछ टाइम और मजीद सवाल आप कर सकते हैं, और क्योंकि मेरे पास तो वक्त है, लेकिन अगर आप बिजी हैं और आपकी कोई और कमिटमेंट है तो हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं, और फिर दोबारा बाकी हिस्सा जो है वो जब आपके पास फुर्सत होगी तब कर लेंगे। पंद्रह मिनट और ले लें, उसके बाद फिर तय कर लेंगे और इसी मज़मून से फिर आगे आ जाएंगे इस सफ़र में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपकी सूरत हाल थी, ऐसी सूरत हाल में इंसान बहुत ज़्यादा तन्हा हो जाता है, क्योंकि जो उसके रूहानी एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, और जैसा कि आपने बताया कि जैसे हालात थे उसमें आप शेयर भी नहीं कर सकते, तो इस तन्हाई ने, आपने यकीनन इसको बहुत बचपन से फेस किया होगा, ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ रागब किया होगा, क्या ऐसा हुआ? और इसके साथ ही एक और सवाल मिला देती हूँ कि उसके बाद क्या आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरे मुझको मेरे खुदा ने ये कहा है कि मैं अपना घर, अपनी रवायात, अपना दीन, अपना वतन, अपना सब कुछ छोड़ दूं और जर्मनी चला जाऊं, और जर्मन कौम को उसने इस काम के लिए चुन रखा है, क्या आपने उनको बताया? इस सफर में दिल तन्हा तन्हाई में ढल जाता है, यानी कुछ चीज़ें आप रखती हैं रेफ्रिजरेटर में ठंडी करने के लिए, लेकिन ये तन्हाई का सफ़र ये फ्रीज हो जाता है, जैसे आप कुछ पका के रख लें और उसे फ्रीज़र में रखते हैं। तो होता ये है कि पहले जब ये दुनिया का शोर ख़त्म होता है तो वहीं से तन्हाई का आलम, क्योंकि हमने एक वक्त गुजारा होता है इस दुनिया में, फिर आप जंगल की तरफ चलते हैं तो वो शोर और ख़त्म होता जाता है। इसलिए साधु संत योगी ये जंगलों को, पहाड़ों को, तन्हाई को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। ये इनकी उसके अंदर रूहानियत ही एक ऐसी चीज़ थी जिसकी तरफ इंसान माइल होता है, और उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि जो कुछ दिखाया जाता है वो और तन्हा कर देती है इंसान को। उसके अकायद, उसके मज़हब, उसका इलम दरे का दरा रह जाता है। तो तन्हाइयों के फिर बहुत से स्टेशन आते हैं, फिर इंसान पहाड़ों पे, वहाँ पर धुंध होती है, वहाँ तो बिल्कुल ही अकेला, फिर नज़र ही कोई नहीं आता, तो ये हालात आ जाते हैं। ये सफ़र, जैसे मैंने हमेशा कहा कि ये इश्क की गली है, यानी कि राह पे जाने से वाह पे जाने, अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। नहीं, उनके साथ बात मामला तो वहीं ख़त्म हो गए थे, और बस एक शख्स थे जिनको मैंने ये खबर दी, क्योंकि अगर उनको बताता तो वो बड़ी रुकावटें डालते हैं, तो किसी को भी खबर नहीं थी, और बस जिससे रूहानियत की मोहब्बत का रिश्ता था उसको बताया कि अब यहाँ से कूच करने लगे हैं, कि अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले या अगली आखिरत में मिले। तो
वरना और दुश्वारी में आ जाती हैं बीच में, जिसके हिकमत से काम लेते हुए उनको खैर बात कह दिया। आखिरी बात मैं जो एक और कहना चाहता था कि इस सफर से बहुत से सूफी साधु संत ऐसे भी थे कि वो घबरा कर इस तन्हाई से वापस भी मुड़े हैं और सफर उनके नामुकम्मल रह गए। बुद्ध कहते हैं कि मेरा बुद्ध नहीं, बुद्ध तो पहले भी जाते थे जंगलों में रोशनी और इनलाइटमेंट निर्वाण पाने के लिए, तो जंगलों में तो मैं भी गया था, लेकिन जब मुझे नूर मिला या रोशनी मिली और निर्वाण मिला तो फिर मैं जंगल से निकलकर माशरे की भलाई और रिफॉर्मेशन इस्लाह के लिए मैं आया फिर हिंदुस्तान में, तो इसलिए मेरा नाम बुद्ध पड़ गया। गौतम तो मेरा नाम तो बुद्ध पड़ गया, फिर दूसरा नाम भी तो ऐसे इधर आता। तो ये हालात हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सफल मुकम्मल हो। जन्तों में मैंने इसीलिए बहुत से टूटे दिल देखे जो अधूरे सफ़र के साथ इस दुनिया से कुछ कर गए। जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो ये है कि खुदा ताला के साथ हम कलामी एक बहुत बड़ा मनसब है और लोग इस कोशिश में उम्रें गुजार देते हैं, इसके बावजूद कभी उन्हें खुदा ताला की तरफ से कोई कश्फ या इल्हाम भी मुयस्सर नहीं होता। तो खुदा ताला आपके साथ किस तरह कलाम करता था, ख्वाब के जरिए, कश्फ के जरिए या इल्हाम के जरिए? रूहानियत जब तरक्की करती है तो तरीके भी बदल जाते हैं। इल्हाम के जरिए भी करता था। इल्हाम में यह है कि कोई सोच ना हो, पूरा दिल मुतवज्जो हो खुदा की तरफ से और एक मजमून जारी हो जिसमें इंसानी अकल सोचो विचार का दखल ना हो। वही का यह है कि कान के अंदर खुदा की आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ जो है वो कुल्ले कायनातों में से किसी की भी नहीं है। उस आवाज़ से इंसान पर एक अजीब हालत तारी हो जाती है आलम, और जब तक वो आवाज़ जो है हम कलाम होती है वो आपको अपनी ज़ुबान में ही वो वही करता है, जैसे उसने मक्खी को भी वही की और कहा कि थोड़े थोड़े फल चख और खुदा के फलाओं के रास्ते पे चल। एक तो खुदा हर किसी की ज़ुबान में भी वही कर सकता है और एक होती है टेलीपैथी, वो फिर आगे जाके समझ आएगी। तो रूहानियत में ये है कि जो लंबे लंबे मुजाहिदे हुए और मुजाहिदों में उन्होंने कुछ पाया, वो देर खुदा की तरफ नहीं हुई। ये ज़रा इस बात को बड़े गौर से सुनना है। वो देर इसलिए हो गई कि जो पाने वाले थे उन्होंने अपने बुत नहीं गिराए, कहते रहे हम खाली हो गए हैं, हमारे दिमाग खाली, हमारी सोचें, हमारे दिल खाली हो गए हैं, अपने आप मियां मठ्ठू बनते रहे और अपनी गवाही खुद ही देते रहे, लेकिन सोचें खाली हो गईं, शऊर सुकून पा गया, दिल खाली से फिक्र इल्लाह पर चला गया, खुदा पर, और नूर आ गया ज़मीर का, दिल के सनम आशना खाली हो गए। ये सब कुछ जो है इसकी गवाही खुदा देता है। तो जिंदगी के किसी मोड़ पे भी वो आपको आवाज़ दे सकता है जब आप तैयार हो जाएं।
जब आप अपने आप को वैसा कर लें जैसे वो चाहता है, तो बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े अंबिया जो देर हो गई वो इसलिए नहीं पहुंच सके, वरना खुदा तो हर दफ़ा 24 घंटे ही मिलने को तैयार है। जैसे वालदैन बगैर शर्तों के और बगैर तवक्को के हर 24 घंटे बच्चों से प्यार करने के लिए तैयार है। अपने वालदैन की मोहब्बत जो है इनमें कोई शर्त नहीं है। अब बच्चा ही भाग जाए, बच्चा ही चला जाए छोड़ छाड़ के, तो बहुत से वाकियात हैं जो बताते हैं इस सिलसिले में कि जो देर हुई वो इंसान की तरफ से हुई, खुदा की तरफ से देर नहीं हुई। फिर बाद के सफर में खुदा के साथ मुशाहदात ने जन्नतों के सफर में, दोजक के मुशाहदों में, जहानों के सफरों में ये बात मुझ पे और खुल के वाजी हो गई कि जहाँ भी देर होती है वो इंसान देर से घर पहुँचता है, लेकिन वो देर खुदा की तरफ से नहीं होती। जैसे ईसा को मैंने कहा था, जो तूने कहा था, मैं फरदौस में उससे मैंने एक दफ़ा कहा था, तूने कहा था जो खड़काएगा उसके लिए खुलेगा, जो आवाज़ देगा उसको जवाब मिलेगा। ये तालीमात अच्छी हैं लेकिन अधूरी हैं। मुकम्मल तालीमात ये हैं, जिसको मिला वो खड़काने वाला था दरवाज़ा, जिसकी आवाज़ का जवाब दिया गया वो था आवाज़ देने वाला। तो खड़काते तो सभी हैं, आवाज़ भी सभी देते हैं, इबादत भी सभी करते हैं, सजदे भी सभी करते हैं, लेकिन दुनिया किसी किसी की बदलती है। वो इसलिए बदलती है कि इंसान खुदा के लिए अपने आप को खाली नहीं करता, और खुदा कहता है कि पहली और आखिरी मोहब्बत मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी का मकसद रखा है। सारी मोहब्बतों के जो चश्मे होंगे वो सब कायम और दायम होंगे, खुश्क हो जाएंगे अगर मेरी मोहब्बत पहले नहीं होगी। तो खुदा बताता है कि सारी मोहब्बतें, सब कुछ मेरी मोहब्बत की वजह से इन जहानों में जिंदगी है। मेरी मोहब्बत को छोड़ दोगे तो सारी पानी, सारी नहरें, सारे दरिया, सारे समंदर खुश्क हो जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। फिर जी आज का सिलसिला फिर यहीं तक रखें और फिर आइंदा कोई और तरीका निकालेंगे, ताकि रिमोट पर लगाकर पहले तसल्ली से आप सवालात कर लिया करेंगे, उसके बाद। खुदा हाफिज़। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त देने का, और रियली आपके साथ ये गुफ्तगु बड़ी दिलचस्प रही। आपके बचपन के बारे में काफी बातें जानने को मिली। मेरे पास सवालात की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बहुत स्लोली स्लोली चलना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से बाद में आपके दावा जात जो हैं उनको हम समझ सकें। पहले आपका इस राह में जो बुनियाद थी और उसको हम पहले समझ लें अच्छी तरह से। तो मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, एंड खुदा हाफिज़।